Let's have a dip in Bhasha Sangam, an initiative of the Ministry of Human Resource Development, Government of India, organized by NCERT from 20th November to 21st December 2018. Bhasha Sangam, a celebration of languages. Bhasha Sangam, Bhasha Sangam, Bhasha. डोगरी भाषा के बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। डोगरा जाति के लोगों की बोली जो पंजाबी की एक शाखा है। डोगरा जाति छोटे छोटे घर में रहते हैं। काम करने के लिए महिला दूर साधन से छोटे छोटे घर बना लिए हैं, जिन्हें डोगरी कहते हैं। डोगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2004 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। पश्चिमी पहाड़ी बोलियों के परिवार में मध्यवर्ती पहाड़ी पट्टी की जनभाषाओं में डोगरी, चंगवाली, मडवाली, मटियाली, बिलासपुरी, बागड़ी आदि उल्लेखनीय है। डोगरी इस विशाल परिवार में कई कारणों से विशिष्ट जनभाषा है। इसकी पहली विशेषता यह है कि दूसरी बोलियों की अपेक्षा इसके बोलने वाली को संख्या विशेष रूप से अधिक है। दूसरी ये कि इस परिवार में केवल डोगरी ही साहित्यिक रूप से गतिशील और संपन्न है। डोगरी की तीसरी विशेषता यह भी है कि एक समय ये भाषा कश्मीर रियासत तथा चंबा राज्य में राज्य के प्रशासन के अंदरूनी व्यवहार का माध्यम रह चुकी है। इसी भाषा के संबंध से इसके बोलने वाले डोगरे कहलाते हैं तथा डोगरी के भाषाओं क्षेत्रों की समन्वयता डुग्गर कहा जाता है। रियासत जम्मू कश्मीर की शरतकालीन राजधानी जम्मू नाम का ऐतिहासिक नगर डोगरी की साहित्यिक साधना का प्रमुख केंद्र है, जहां डोगरी के साहित्यिकों का प्रतिनिधि संगठन डोगरी संस्था के नाम से है। इस भाषा के साहित्यिक योगक्षेम के लिए गत लगभग 7 वर्षों से प्रयत्नशील है। डोगरी पंजाबी की उपबोली है, ये भ्रांत धारणा डॉक्टर ग्योसन के भाषाई सर्वेक्षण के प्रशासनीय कार्यों में डोगरी के पंजाबी की उपबोली के रूप में उल्लेख से फैली। इसमें उनका दोष नहीं। उस समय उनके इन सर्वेक्षण में प्रत्येक भाषा बोली का स्वतंत्र गंभीर अध्ययन संभव नहीं था। जन ब्रिंज ने भारतीय भाषा विज्ञान की रूपरेखा संबंधी अपनी पुस्तक जो प्रकाशित हुए थे 1866 अंग्रेजी शताब्दी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि डोगरी ना तो कश्मीरी का अंगभूत बोली है न पंजाबी की। उन्होंने इस भारतीय जर्मन परिवार की आर्य शाखा की प्रमुख 11 भाषाओं में गिना है। डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने भी डोगरी की गणना भारत की प्रमुख 7 सीमांत भाषाओं में की है। डोगरी की अपनी एक लिपि है जिसे टकरी या टक्करी लिपि कहते हैं। इस लिपि काफी पुरानी है। गुरुमुखी लिपि का प्रादुर्भाव इसी से माना। अभी आप लोग को स्वागतम करती हूँ कुछ डोगरी भाषाओं में बोलने के अभ्यास करने के लिए। इंग्लिश में जिसे हम लोग हेलो कहते हैं, डोगरी में नमस्ते। पहले आप लोग सुन लीजिए, बाद में दोहराएंगे। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज योर नेम, डोगरी में कहेंगे तुंदा नाम क्या है। आप लोग हिंदी में जब अंग यूज करते हैं, डोगरी भाषा में इसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और माय नेम इज लक्ष्मी, मेरा नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी ए। हाउ आर यू, तुंदा क्यों हाल है। आई एम फाइन, आऊ ठीक आऊ। अंग का मतलब ज्यादा लगा। अभी आप लोग कोशिश करिए, हेलो क्या कहेंगे,
नमस्ते. व्हाट इज योर नेम? तुंदा नंग क्या ए. फिर से तुंदा क्या ए. माय नेम इज लक्ष्मी. मेरा नंग लक्ष्मी ए. फिर से बोलिए. हाउ आर यू? तुंदा केव हाल ए. गुड. आई एम फाइन. आऊ ठीक आऊ. गुड. देखिए हम लोग जो एक दो करके सब भाषाओं में कुछ सीख रहे हैं, कभी 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 ना कभी हम लोग ये भाषा काम आ जाएंगे. पृथ्वी गोल है, घूमते घूमते कहीं हम लोग भी टुंडा जाति के सामने आ जाएंगे. तो अगर हम लोग एक दो भाषा उन लोग के सामने कहेंगे तो उनके सामने हम लोग का जो सम्मान और भी बढ़ जाएगा. वो लोग सोचेंगे देखो हम लोग का लैंग्वेज भी कहाँ नॉर्थ ईस्ट से आके हम लोग का लैंग्वेज भी एक दो तो बोल पा रहे हैं. इसलिए जो लैंग्वेज यहाँ में आप लोग को सिखा रहा है एक दो करके आप लोग नोट करके रखिए, कभी ना कभी काम आ जाएंगे. डोगरी. हेलो फ्रेंड्स. हेलो. लेट अस स्पीक इन डोगरी टुडे. सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड इन हिंदी फर्स्ट एंड देन स्पीक इन डोगरी. स्पीक आफ्टर डोगरी इज स्पोकन. In English, we say hello. In Hindi, we say namaskar. In Do, namaste. Namaste. In English, we say what is your name. In Hindi, we say aapka naam kya hai. In Dogri, we say tunda na ke hai. Tunda na ke hai. In English, we say, my name is Lakshmi. In Hindi, we say, mera naam Lakshmi hai. In Dogri, we say, mera naam Lakshmi hai. Mera naam Lakshmi hai. In English, we say, how are you? In Hindi, we say, aap kaise hain? In Dogri, we say, tunda ke aal hai. In English, we say, I am fine. In Hindi, we say, मैं ठीक हूँ. In Dogri, we say, आऊँ ठीक हूँ. आऊँ ठीक हूँ. And now, let us have a conversation. Namaste. Namaste. तुंदा ना के है? मेरा नाम लक्ष्मी है. तुंदा तुंदा के आल है? आऊँ ठीक हूँ.